व्यक्तिगत बात की जाए तो क्रांतिकारी खुशियां नहीं मनाते हैं। एक लड़ाई अगर जीत ली जाती है तो दूसरी लड़ाई की हम लोग तैयारी करते हैं, दूसरी लड़ाई की घोषणा करते हैं। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, मरते दम तक जारी रहेगा। ये खूनी आंदोलन भक्ति है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। दूसरे सभी झारखंडियों को हार्दिक अभिनंदन देते हैं, असंख्य शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। फिर स्वागत है हमारी तरफ से, तो नहीं सबसे पहले जोहार। और आज हमने वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं लागू, आज हमने वीडियो स्पेशल 1932 जलाकर लागू है लो मनाया। वीडियो में ब्लॉग में कंटिन्यू बना रहा होती है, नदियों की सीमा होती है, पंछियों की सीमा होती है, अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की अपनी सीमा होती है। झारखंड की सीमा झारखंड वासियों के लिए बनी थी, इस सीमा के अंदर झारखंड वासी राज करेंगे और वे लोग हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। तो आज 1932 का खतियान ही झारखंड की सीमा, झारखंड की पहचान, झारखंड के लोगों के अस्तित्व का सवाल था, जिसके लिए आज जब से अलग राज्य बना है तब से हमारे लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। कभी आंदोलन पनपा, फिर किसी कारण बस रुका, थमा और आंदोलन 20 वर्ष बाद फिर से आगाज हुआ था भाषा के बहाने। राज्य में खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लाया गया है। सरकार, मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग सरकार का कभी विरोधी नहीं रहे, ना किसी व्यक्ति का विरोधी रहे, हम लोग नीतियों का विरोधी रहे और नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर सरकार 1932 को पारित प्रस्ताव लेकर आई है, जब ये पूर्णतः लागू हो जाएगी, और आज इस प्रस्ताव का भी स्वागत करते हैं, और हम ही नहीं राज की सवा तीन पर आबादी का स्वागत। ग्राम सभा को दिया गया है कि अगर जिनके पास भूमि तो ग्राम सभा तय करेगी। जी जी, मैंने भी अपने तमाम स्टेटमेंट में यही बात कहा था। मेरे भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खतियान नहीं है, किंतु वो हमारे लोग हैं, इसीलिए मैंने भी ग्राम सभा की बात कही थी। और कहावत भी है, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का महत्व होता है, बिल्कुल ग्राम सभा तय करेगी। जिनके पास खतियान नहीं होगा उनकी पहचान ग्राम सभा करेगी और यह तय करेगी कि यहाँ झारखंडी कौन है। जयराम महतो की जीत है, उसकी आंदोलन की जीत के तौर पर देखें, और निश्चित ही आंदोलन की जीत है। अगर सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन के कारण ही सरकार में फूट पर आई, उसके बाद निर्णय को बदला है। अगर सरकार अगर अपने स्वेच्छा से करती तो सरकार बनने के बाद ही करती, क्योंकि सरकार का पहला घोषणा पत्र में यही था 1932 का खतियान। तो अगर 3 साल के बाद अगर ये 1932 का खतियान कैबिनेट में आया है तो कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन की जीत है, इस आंदोलन की जीत है। इस आंदोलन के बाद सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें स्टार्टिंग हुआ था मानव श्रृंखला से 3.5 लाख 4 लाख लोग, हम लोग गर्म आंकड़ा भी जो सजा था उसमें भी लगभग 3-4 लाख लोग सड़कों पर आए थे। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जब लोग आने लगे, माँ बहन बहू बेटियां सभी सड़कों पर आने लगे, नौजवान पढ़ने लिखने वाले छात्र बोलने लगे, उसके कारण आज कहीं ना कहीं सुखद परिणाम। जयराम दा, जयराम दा, दो दिन पहले आपने कहा था, जयनाथ महतो कह रहे हैं कि जयराम महतो का नहीं रहा, उनका मतलब जयराम दुकान बंद हो गई। जयराम महतो की युवा है, छात्र है, हमारा भविष्य सामने है। इसलिए जगन्नाथ महतो माननीय मंत्री महोदय, आप अगले नीतियों को देखें, जश्न नहीं मनाते हैं। जब एक मुद्दा समापन होता है, एक मुद्दा संपादित होता है, और दूसरे मुद्दों पर जयघोष करते हैं, दूसरे मुद्दों पर लड़ाई को छेड़ने का काम करते हैं। तो हम लोग अन्य मुद्दों पर बात करें, अन्य मुद्दे सबसे ज्यादा होंगे उसमें खनन नीति आएगी, उद्योग नीति आएगी, को बात करनी होगी। आज मैं रामगढ़ का ही मसला है, आज लगभग 90 दिनों से हमारे एक भाई सर, आज हमारा 90 दिन से एक भाई अपनी जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर बैठा है कंपनी के बाहर। तो भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है। बाकी 1932 का खतियान झारखंड की भावना थी, झारखंड की अस्मिता थी, झारखंड की पहचान थी। कैबिनेट में आने के बाद सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और साथ ही
अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि देश सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर देश रहना चाहिए। हम भी आज यही कहना चाहेंगे, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर राज्य रहना चाहिए। और राज्य के तमाम एकासी के एकासी विधायक जो झारखंडीय भावना के साथ हैं वो पक्ष विपक्ष को छोड़कर आपसी मनमुटाव को छोड़कर 32 का समर्थन करें और 32 को लागू करें। ये आंदोलन जारी रहेगा आपका जिस फॉर्म में चल रहा है? निश्चित, आंदोलन जब तक झारखंड खुशहाल नहीं होगा, जब तक झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। 32 के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं, अनुसूची 5 की लड़ाई है, क्योंकि अगर 32 लागू भी हो जाता है अनुसूची 5 का फिर हनन होता है तो अनुसूची 5 की बात होगी, अभी लड़ाई आगाज हुआ है, जंग अभी जारी है और ये जंग चलता रहेगा जब तक झारखंड खुशहाल नहीं हो जाएगा। ये लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर सरकार ने बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया है, बहुत हिम्मत वाला। निश्चय ही सरकार का डेयरिंग डिसीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनका काफी बड़ा घुसपैठ है, उसके बावजूद सरकार के डेयरिंग निर्णय हुआ है। लेकिन यह निर्णय कहीं ना कहीं जनता की भावना से जुड़ा है, जनता के आंदोलन कारण जुड़ा है। अतः सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए जनता से अपील करते हैं और साथ ही साथ तमाम विधायकों से अपील करते हैं 1932 के अभियान पर एकमुट होकर एक साथ समर्थन करें, क्योंकि यह राज्य की पहचान है, सभी की अपनी अपनी सीमा है। और साथ ही जो अन्य राज्य के लोग यहाँ प्रवास करते हैं उनसे भी निवेदन होगा कि हमारी लड़ाई किसी राज्य के व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि राज्य हमें किस लिए मिला है। और राज्य यदि हमें मिला है तो उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान है, पहली पहचान है 1932 का खतियान, जो हमें तय करेगा कि झारखंड कौन है और अन्य राज्य के कौन है। क्योंकि अन्य राज्यों की अपनी सीमा है, अपना प्रावधान है, आसमान में पंछी उड़ते हैं तो उनकी एक सीमा है कि कहां तक, किस लेवल तक उड़ सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी मर्यादा है, उसी मर्यादा में रहें, उसी सभ्यता में रहें, उसी सीमा में रहें, यही सुंदर है, यही सुंदरता है। मगर आखिरी सर्वे सेटलमेंट का जिक्र नहीं है, तो वो लग रहा है कोई टेक्निकल पेज चल जाएगा या फिर कोर्ट में ये मामला चल जाएगा, ये फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे? देखिए, जिन जिलों में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है और जहां तक मैं ऐसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन उसको आप सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हैं। बाकी पहला जो ऑप्शन बनेगा स्थानीयता का, जो पहली क्राइटेरिया होगी वह 1932 का खतियान ही होना चाहिए। तो अब क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जयराम महतो धन्यवाद देना चाहेंगे, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? निश्चय ही, अगर इस फैसले को लेकर सरकार इस निर्णय का स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ये पूरे आंदोलन के दौरान जयराम महतो सेंटर में रहे, आपकी आलोचना भी सदन के अंदर सदन के बाहर, तो क्या लग रहा है वो सब भुला करके अब एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत? अब राज्य का खुशहाल कैसे होगा? और निश्चय ही आप काफी ट्रोल झेले, काफी 8 महीने से अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो अभी सूचना मिली कि मेरी माँ 3 बार अस्पताल जा चुकी है लेकिन हम देखने तक नहीं जा पाए हैं, आज 28 दिनों से घर से बाहर हैं। इस 8 महीने के आंदोलन में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, लेकिन अंततः अब अगर टूटता हुआ तारा भी दिखता है तो पहले मैं उससे यही दुआ करता हूँ, मेरे झारखंड राज्य के लोग, मेरे कबीला के लोग खुशी रहें, संपन्न रहें, वही मांगते हैं। आज क्या आपको भावुक करने वाला दिन लग रहा है? हाँ, निश्चय ही, कहीं ना कहीं ये भावना है और हमारे शहीद के शहीदों, जब जब तुम्हारी याद आती है थोड़ी बहुत हमें रुलाती है, याद तुम्हारी आकर व्याकुल हो उठता है मन, तुम शहीदों को बार बार नमन, तुम्हें सत सत मन बार बार नमन। तो निश्चय ही जो शहीद हमारे शहादत देकर गए, आज उनके योगदान रहा राज्य बनाने का और उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनके रास्ते पर चलकर हम लोग खतियान की लड़ाई को लड़े हैं, आगे भी जो भी लड़ाइयां होंगी उनके रास्ते पर चलकर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। दूसरे मैंने स्पष्ट कहा, हम लोग झारखंड के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, हम लोग हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, अगर राज्य में अन्य राज्यों के लोग अगर बसे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने उन्हें रहने का अवसर दिया है, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। बाकी अभी देखिए पेपर में पेपर कटिंग पड़ रहा है तो उसमें खिलाड़ी ने मेडल जीता है, उस पर दो राज्य के लोग दावा कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो लोग राज्यों में जिनकी स्थानीयता है, दो राज्यों में जिनकी पहचान है, वो अस्वीकार है। बाकी जो लोग सदियों से अगर इस राज्य में बस गए हैं उन्हें एक समय दिया जाए, सरकार ऊपर एक गहन शोध करे, रिसर्च करे, उसके बाद उनके लिए प्रावधान करे। बाकी जो लोग इस राज्य में रहने, माफ कीजिएगा, खाने कमाने के लिए आए हैं, व्यापार के उद्देश्य के लिए आए हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उस प्रकार आप शांति अमन चीन के साथ रहें, किसी समय कोई शिकायत नहीं है। इस निर्णय को क्या हम लोग राजनीतिक चश्मे से देखेंगे? निश्चय ही, चूंकि लोकतांत्रिक अवस्था में राजनीति का प्रथम अहम योगदान होता है राजनीति का, तब राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकार भी राजनीतिक नजरिए से देख रही है, तो देखना चाहिए। तो इसका क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होगी जिसका विरोध करेंगे? देखिए, निश्चय ही सरकार तो अपना
लेने का प्रयास करेगी हम लोग, लेकिन ये तो तय है कि आंदोलन के माध्यम से सरकार आई है, क्योंकि 3 साल बाद अगर निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते हैं, आप उतनी बड़ी जनभावना को आप गलत नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने अपने डायरी मेंटेन के साथ 304 सभा की है, अभी 304 दिन से आंदोलन का हुआ नहीं है, मैंने डायरी ऑफिशियल सभा 304 किया है, बाकी अनऑफिशियल करो तो 450 सभाओं को मैंने किया है। तो इस तरह मेरे तमाम साथी, मेरे माताएं, बहनें, सबने आंदोलन में शरीक हुआ है, कोई किसी रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सबका योगदान है और इस आंदोलन के कारण ही सरकार ने इस निर्णय को लेने का कार्य किया है। तो मुख्यमंत्री से आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा अवसर है झारखंड 103 करोड़ जनता के लिए। हाँ, निश्चय ही मुख्यमंत्री का आभार प्रकट है और बाकी जो समस्याएं हैं उन पर भी मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए, जिसमें 2 प्रमुख समस्याएं अभी सामने होंगी हमारी, एक विस्थापन और खनन, इन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। खनन को लेकर विशेष चर्चा होनी चाहिए क्योंकि आज कोयलांचल की सीमा बिल्कुल खनन के लिए है, गुमला पहुंचे वहां भी बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, पारसनाथ में इस तरह की समस्याएं हैं, तो इन पर आप सरकार को इन पर भी फोकस करना चाहिए, एक ऐसा झारखंड बनाया जाए जिसमें यहां के वे लोग खुशहाल रहें, जिस मकसद के साथ शहीदों ने शहादत दिया है वो मकसद हमारा कायम हो, हम लोग यही चाहते हैं। 1932 को हम लोग बड़ा डिसीजन माने ओबीसी आरक्षण को जो 27% किया गया है, क्या एक माइलस्टोन के तौर पर? देखिए 1932 प्रथम था, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण को भी मैंने देखा, लेकिन हाँ उस पर थोड़ा सा यही चर्चा करना चाहेंगे कि जब इस राज्य में रहने वाले विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग हैं, कैटेगरी में बटा है जो हमारा संवैधानिक कैटेगरी है, तो सबको, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है बीसी 1 पर भी एक बार सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी लगभग 40 से 45 के आसपास है, लेकिन उनको 15% तक सीमित रखा गया है, तो इस पर बाकी जिसको जो मिल रहा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार ने जिसको हिस्से में जो दिया ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन बीसी 1 पर सोचना चाहिए, क्योंकि बीसी 1 की आबादी जहां मानना है, जहाँ तक मेरे पास आंकड़े हैं कि 40 से 45% बीसी 1 के लोग हैं और उन्हें 15% तक वे लोग आए हैं, तो उस पर थोड़ा सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए। मगर ये 50% को क्रॉस कर गया, ये तो चैलेंज हो जाएगा। देखिए चैलेंज होगा, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। इससे पहले भी जो EWS का रिजर्वेशन आया था उसने 50% को क्रॉस करने काम किया था, उस समय भी देश आराम से चला, कोई विवाद नहीं हुआ था इस मसले पर। संभावना थी कि आज ये डिसीजन होने वाला है, कोई इनपुट था? कल मीडिया बंदों से बातचीत हो रही थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि जब तक पारित नहीं हो जाएगा तब तक उम्मीद करना और भरोसा करना आसान नहीं है। बाकी सरकार के इस निर्णय का स्वागत है और साथ ही आज पहली बार विधायिका को भी धन्यवाद देने का अवसर है और मीडिया बंदों को धन्यवाद, इस आंदोलन के प्रारंभ में हमने दिया था लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, आज भी धन्यवाद देना चाहेंगे और तमाम इस आंदोलन से जुड़े तमाम, चूंकि भाषा की लड़ाई भाषा की लड़ाई आरंभ हुई थी झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति ने लड़ा, सभी लड़ाकू योद्धाओं को सत सत नमन, धन्यवाद उनका, उन्होंने अपना एड़ी चोटी एक किया, जो बन सका उनका अपना घर द्वार त्यागा, अपने साधन संसाधनों का त्याग किया, अंततः 1932 को एक मुकाम देने का कार्य किया है। आंदोलन करने वाले तमाम साथियों को होली जोहार और साथ ही यही कहेंगे क्रांतिकारी जश्न मनाते नहीं, वो अगले आंदोलन की तैयारी करते हैं, अगले रण का घोषणा करते हैं, हम लोग इसके लिए अपनी रणभूमि को सजाने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक अकेला सब पे बारे की तरफ मुंह करके दिए जा रहे हैं। चलिए 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 जयराम दा, कल ही हम लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ये अब सरकार पर एक दबाव पड़ रहा है, कल ही जब आप पीसी किए थे तो? निश्चय ही पिछले लगातार 8 महीने से 9 महीने से आंदोलन हो रहा है और लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, और चूंकि लोकतंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जितनी जनता की, लोगों की, मोड़ी की संख्या बढ़ेगी उतना लोकतंत्र प्रभावी होगा और जो सरकार हुक्मरान बैठे हैं वो उतना बैकफुट पर आएंगे। मानव श्रृंखला में लगभग गिनती की अगर बात करें तो 3.5 से 5 लाख की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, उसके बाद हम लोग एक करम मेला का भी जो आयोजन किया गया, उसमें भी लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग सड़कों पर उपस्थित हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए झारखंड वासी तत्पर थे और आज लोकतंत्र को उन्होंने जीवंत रखा है। उनकी जो मांग जो सदियों से चली आ रही है, सदियों नहीं हम कह सकते हैं दशक के माध्यम से, सदियों से एक अलग विचारधारा थी झारखंड बनाने की, वो तो हमने बनाया, लेकिन जो ये मांग थी पिछले 2 दशकों से अलग झारखंड राज्य होने के बाद, आज कहीं ना कहीं कैबिनेट में उसका प्रस्ताव आया है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसका श्रेय आंदोलन को जाता है क्योंकि 3 साल के बाद सरकार निर्णय लेकर आई है, यानी कहीं ना कहीं आप आंदोलन को नकार नहीं सकते हैं, आंदोलन को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सियासत के इंकलाब में, सियासत के इंकलाब में जंग जीती जाती है, कभी कभी सियासत के इंकलाब में जंग जीती जाती है।
लोगों के दिलों में राज करने का नशा ही कुछ और है। अंधेरों में चलकर कांटों से लड़कर बना है झारखंड। अभी घर घर रोशनी पहुंचाने को लड़ना अभी बाकी है, चलना अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तकरीबन 1500 लोग अभी भी आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे, इधर भी 2000, कि कोई भी जो राज्य होता है उसकी सीमा होती है। भारत देश एक बगीचा है, यहाँ तरह तरह के फूल हैं और सभी फूलों का सम्मान है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड एक अलग राज्य है। यह राज्य यहाँ के लोगों के लिए बना था, जो कि यहाँ के मूलवासी हैं, जो कि यहाँ के मैक्सिमम खतियानदारी हैं। बाकी जो लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, उनका स्वागत है। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, हमारे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, हमारे लोग गुजरात जाते हैं, उसी प्रकार अन्य राज्य के लोगों का भी यहाँ स्वागत करते हैं। बाकी जो नियोजन नीति बनेगी स्थान नीति के बाद, उसमें जो 15% 10% अन्य राज्य के लिए प्रदान होगा वो भी स्वागत होगा। लेकिन मूलतः ये राज्य बना था उनके लिए जिन्होंने शहादत दिया था, जिन्होंने 88 साल संघर्ष किया था, 88,000 बलिदान दिया था, उसके बाद ये राज्य बना था। सबकी सीमा होती है। आसमान में पक्षी कितना दूर तक उड़ेगा उसकी एक सीमा होती है, एक जंगल का शेर कितना दूर तक शिकार करने जाएगा उसकी एक सीमा होती है, नदी का पानी कहाँ तक बहेगा और फिर कौन सा रंग ले लेगा उसकी एक सीमा होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भी अपनी एक सीमा होती है, मनुष्य की अपनी एक माटी होती है, अपनी एक सरजमी होती है। और ये झारखंड की सरजमी उनकी है जिनके पूर्वजों ने अपना गला कटाया है, जिनके पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया है, जिनके पूर्वजों ने जेल की यातना को सहा है। और आज वो पूर्वज हमारे थे, झारखंड वासियों के थे, आज उनकी लड़ाई थी। और उनको सुरक्षित तभी किया जा सकता है जब एक पहचान मिलता कि झारखंडी कौन है। और ये मांग थी 1932 के खतियान के आधार पर तय हो कि झारखंडी कौन है। उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उन्हें ग्राम सभा तय करेगी। बाकी फिर यही कहना चाहेंगे, जो राज्य जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ है और उन्हें अगर असुरक्षा महसूस करते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सबका यहाँ स्वागत है। लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, आप कमाने के दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से हमारे लोग अन्य राज्यों में जाते हैं, आप सभी राज्यों के लोग का यहाँ स्वागत है। आप कलेक्टर बनकर आइए, आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर बन के आइए, आपका स्वागत है। एक चपरासी बनकर अन्य राज्यों के लोग आएंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे। जय राम माता जिंदाबाद, जय राम माता जिंदाबाद, जय राम माता जिंदाबाद, जय राम माता जिंदाबाद। क्योंकि झारखंड राज्य खनन बहुत प्रभावित करता है। कोयलांचल की आप स्थिति देख सकते हैं, बहुत दर्द होता है वहाँ। हजारों गांव उजाड़े जा चुके हैं और आने वाले दिनों में समस्या आएगी। इसीलिए सरकार को खनन नीति पर बात करनी होगी। जिस जमीन से खनन किया जाएगा उस परिवार को, उस जमीन के मालिक को कैसी रॉयल्टी आप देते हैं, क्योंकि उसका सारा चीज जमीन है। तो इसलिए अभी बहुत सारी लड़ाइयां बाकी है। बाकी 1932 के खतियान का स्वागत करते हैं। और खनन नीति, विस्थापन नीति पर बात हो और उद्योग नीति पर चर्चा ये होनी चाहिए कि नया उद्योग झारखंड में तब तक नहीं लगेगा जब तक एक बढ़िया से नीति नहीं बन जाती है। क्योंकि उद्योग तभी लगेगा जब हमें अगर बहियार जमीन लिया जाएगा उस जमीन के बदले उसी तरह उपजाऊ जमीन चाहिए। अन्यथा झारखंड की जमीन को फिलहाल ऐसे उद्योग की आवश्यकता नहीं है। हमें हल दीजिए, हमारे खेतों में हल चलेंगे। बाकी 1932 का स्वागत करते हैं, लेकिन लड़ाई अभी रुकी नहीं है। हम लोग अभी झुके नहीं है, आगे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दादा, जिस तरह से पहले बयान आता है मुख्यमंत्री का कि 1932 हो नहीं सकता है और एकाएक इस रुख पे आना, कैसे देखते हैं इसको? कहीं ना कहीं आपके दबाव में नहीं, आप समझ लो आंदोलन का दबाव था लगातार। लोग, हम लोग एक छात्र थे, हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। 8 महीना पहले हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन हमारे विचारों के कारण आज राज्य के लोगों ने जाना। और हम एक मामूली छात्र होने के बावजूद हमारी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आते नहीं थे, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनते थे और उलगुलान के लिए तैयार रहते थे, मरने मिटने के लिए छात्र तैयार रहते थे। रात एक बजे मैंने लगभग दर्जनों सभा किया है जहां माएं बहने हमारी आस में रहते थे कि वह लड़के लोग आएंगे और क्या बोलेंगे, उनको सुनना है और समर्थन करना है। तो कहीं ना कहीं उसका दबाव दिखा। और हाल ही फिलहाल जो 4 तारीख को डहरे करम बेड़ा बोकारो में पार हुआ, जिसमें लगभग 3-2 लाख की आबादी सड़कों पर थी हमारे, जिसमें माओं बहनों की संख्या मैक्सिमम थी, जिस कारण कहीं ना कहीं सरकार ने उसको भी वाच किया था कि झारखंड की जनता एक नए उलगुलान की ओर बढ़ रही है। इसलिए जो सरकार पहले कहती थी कि नहीं हो सकता है, आज वो स्वयं स्वीकार रही है। बाकी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सहमति असहमति बनी रहती है। सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं तहे दिल से और झारखंड की जनता भी स्वागत करती है। लेकिन कांधे से कांधे आपके मिला के चलने वाले मोतीलाल महतो जी हमारे साथ हैं। आइए अब उनसे भी 2 शब्द हम जान लेते, क्या कहेंगे लगातार जयराम लगे आप साथ कंधा से कंधा मिला के चलते आ रहे हैं। सबसे पहले तो कहेंगे कि सभी झारखंड, मतलब बोलने का तो मेरे पास शब्द नहीं है, सभी झारखंड को हार्दिक अभिनंदन देते हैं, असंख्य शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने हम लोग के साथ
कंधे से कंधे मिलाकर चला। हम तो जयराम दा के साथ चले लेकिन आप लोग भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। आप लोग के बिना ये लड़ाई जितना मतलब असंभव था, इसलिए आप लोग ने संभव बनाया। आप लोग ने साथ आके हमारी भावना को, हमारी विचार को, हमारी विचारधारा को आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाया। हमारे माध्यम हमने अपनी भावना प्रकट किया और आपने जन जन तक पहुंचा। धन्यवाद। जोहार। जय जय। बिल्कुल। तो मिठाई कर रहे हैं, माला माला पहनाया जा रहा है। जब तक राज में, जब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, क्रांति का मकसद नहीं होता है। अभी लड़ाई बहुत बाकी है। बाकी लोगों की भावना है, उसका स्वागत और सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो क्रांतिकारी खुशियां नहीं मनाते हैं। एक लड़ाई अगर जीत ली जाती है तो दूसरी लड़ाई की हम लोग तैयारी करते हैं, दूसरी लड़ाई की उद्घोषणा करते हैं। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, मरते दम तक जारी रहेगा। ये खून ही आंदोलन का है। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप, तो क्या बताएं, मेरे दिल में खड़े हो जा रहे हैं। इसमें आपको जितना भी कुछ बोलेंगे कम पड़ जाएगा, जो हमारे हाथ के शरीर के रेवे खड़े हो जा रहे हैं, बातें करने कम पड़ेंगे हमारे। असली जश्न आज हुआ, असली इतना दिन उदास में जी होगा। असली